यह है खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड का बमहनी गांव। गांव का आर्थिक क्रियाकलाप कृषि आधारित है, लेकिन किसानों की हाड़तोड़ मेहनत के बावजूद उन्हें उनकी फसलों की वाजिब कीमत नहीं मिल पाती थी। इधर कुछ समय पहले ग्रामीणों ने बिरसा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी का निर्माण किया, जिसके बाद उनकी जिंदगी ही बदल गई। इस बिरसा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा हम किसानों तक खाद बीज और जो पहुँचाते हैं और उनका जो उत्पाद है, जैसे इमली हो गया, कटहल हो गया, मड़ुआ हो गया, ये सब उनसे खरीद के हम लोग मार्केट में बेचते हैं। यह ग्रामीणों के द्वारा बनी कंपनी है जो ग्रामीणों के हित में कार्य कर रही है। इससे इलाके के करीब 550 किसान जुड़े हैं। अब न सिर्फ किसानों को उनकी फसल के लिए बाजार की चिंता दूर हो गई है, बल्कि दलालों से भी छुटकारा मिल गया है। बाजार में ले जाते हैं तो बिचौलियों के हाथ में पड़ जाता है, अच्छा दाम नहीं मिलता है, समय पर खाद बीज नहीं मिलता है। यही उद्देश्य लेकर के हमने प्रोड्यूसर कंपनी खोला है। बदलाव जो खुली आंखों से दिख रहा है, जब इस कंपनी से जुड़कर पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी अपनी तरक्की की राह तैयार कर रही हैं। फिर एसएजी से जुड़कर मेरा घर बहुत परिवर्तन हुआ है। पहले ना हम लोगों का मजदूरी काम करके राशन चलता था। लंबे समय से विकास की बाट जो रहे बमहनी गांव की अब तकदीर और तस्वीर बदल गई है, और यह सब हुआ है ग्रामीणों की सूझबूझ और नवाट के प्रयास से। बिरसा फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी के जरिए पिछले 4 सालों में यहाँ के जो किसान है वो करीब 1 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर चुके हैं, और इस कंपनी से यहाँ के लगभग 550 किसान जुड़े हुए हैं। और इनके जो वन उत्पाद है और खेतों में जो उत्पाद होते हैं, चाहे वो सब्जियाँ हो, सभी को मार्केट तक पहुँचाने का जिम्मा इस कंपनी ने यहाँ पर उठा लिया है, जिससे किसानों का काफी उत्थान हो रहा है। अपने सहयोगी अभ्यास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, खूंटी।